गिर भी सकते हो उठ भी। आज काफी दिनों बाद मुंबई का वेदर इतना साफ लग रहा है एंड आई होप कि दिन भर बारिश ना हो, बिकॉज व्हाट, आज मेरी दो मीटिंग्स हैं और तहे दिल से आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम लोग जा रहे हैं अक्सा बीच, तो वन ऑफ माय फ्रेंड इज कमिंग विद मी टू अक्सा बीच। वो अंधेरी से आ रहे हैं, वो मलाड स्टेशन उतरेंगे, फिर वहां से हम लोग बाइक से जाने वाले हैं। तीन चार महीने से काफी प्लान कर रहे थे मिलने का, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, बट आज मिलने का पॉसिबल, फाइनली हम लोग मिल रहे हैं। तो हम लोग इस कैरेक्टर को लेके मोबाइल गेम बनाने का सोच रहे हैं। सो लेट्स सी हम लोग उसको कितना एग्जीक्यूट कर पाते हैं। आज उसी बारे में हम लोग को डिस्कशन करना था, तो हम लोग ने मॉर्निंग का टाइम चूज किया, तो ताकि क्या अर्ली मॉर्निंग उठना भी हो जाएगा और काफी अच्छा रहेगा। So basically he is expert in gaming, coding and everything. So let's go. हम लोग फाइनली आ गए हैं अक्सा बीच। मैंने कौशल को पिक किया मलाड स्टेशन से और वहाँ से बाइक से हम लोग इधर आ गए थे। तो बेसिकली ही इज़ इनटू गेम डेवलपमेंट और इनको काफ़ी म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है और योगा भी काफ़ी अच्छा करता है। मतलब इनका इंस्टाग्राम आप फॉलो कर सकते हैं। तो मतलब भाई अपने शरीर को इतना तोड़ मोड़ लेते हैं, पूरा ऐसा आड़ा टेढ़ा कर लेते हैं कि मतलब कम से कम 20 सेकंड तक मैं उसको देखता रहता हूँ कि मैं कैसे कर सकता हूँ उस चीज़ को। सो इस कैरेक्टर को लेके हम लोग गेम बनाने का सोच रहे हैं। काफ़ी टाइम से हम लोग मिलने का सोच रहे थे बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लास्ट टाइम भी हमने जुहू जाने का प्लान किया था कि भाई आराम से शांति से बैठ के हम लोग कुछ डिसाइड करेंगे, कुछ प्लान आउट करेंगे, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। सुबह जब निकलने का टाइम था अचानक से बारिश आ गई और फॉर्चुनेटली अभी मुंबई में थोड़ा बारिश कम है, तो आज हम लोग इधर आए हैं। अब आराम से बैठ के हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। भाई साहब पहली बार इधर आए, मैं लेकर आया 20 साल से रह रहा हूँ मुंबई, मुझे पता ही नहीं बीच के बारे में। कैन यू इमेजिन, मतलब 20 साल से ये मुंबई में है और इनको इस बीच के बारे में पता नहीं है। सुना तो था बट कभी आया नहीं था ये, तो आज मैं इधर लेकर आया। और जो जुहू बीच के फैन हैं उनको ये बीच देखना चाहिए। प्योरली मतलब काफ़ी साफ बीच है। मतलब आप थोड़ा अक्सा बीच में जब एंटर करेंगे, थोड़ा आगे तक जाएंगे, तो आप जब अपना पैर पानी में डालेंगे तो आप अपना क्लियरली अपना पाँव नीचे तक देख सकते हैं आप। आपके लिए चेयर भी है और ऐसा लेट भी सकते हो आप इसका आराम से। गिर भी सकते हो और गिर भी सकते हो, टूट भी गया। कितना? तो अभी हमने नारियल पानी वगैरह तो पी लिया है, वही सबसे अच्छी चीज़ है शायद, और बाकी तो और वड़ा पाव और ये सब कुछ चीज़ें वो खाने लायक है नहीं यहाँ पर। अब हम बना रहे हैं थंबनेल। मतलब लोग सुधरेंगे नहीं। देखो हमने इतना खड्डा खोदा फिर भी प्लास्टिक, जमीन के नीचे प्लास्टिक मिला। तो मेहनत फाइनली सफल रही। मैं कहता हूँ बीच पे शूज पहन के आने का ही नहीं, इसीलिए कह रहा हूँ 15 मिनट लगा दिए इसने। बीच पे आओ तो शॉर्ट्स पहन कर आओ और स्लीपर्स पहन के, शूज मतलब नहीं होता है।